विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने भोपाल में एक विवादित बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए अशोक सिंघल ने धर्मांतरण के मुद्दे पर यह बयान दिया है, ये विवादित बयान, और कहा है अशोक सिंघल ने कि अगर धर्मांतरण की रफ्तार नहीं रोकी गई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में ही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और इसी क्रम में अशोक सिंघल ने यह भी कहा कि हिंदू परिवारों को कम से कम 5 बच्चे पैदा करना चाहिए और इसके लिए वो देश भर में अभियान भी शुरू करने वाले हैं। बयान बेहद विवादित है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल के बयान का पूरा पूरा समर्थन किया है। अशोक सिंघल ने न सिर्फ धर्मांतरण को रोकने की वकालत यहां पर की है, बल्कि यह भी कहा है कि कम से कम 5 बच्चे पैदा करें हिंदू। आइए हम आपको सुनाएं अशोक सिंघल का वह पूरा बयान। ये पूरे कुंभ में यही चाह चली, पूरे कुंभ में 5 बच्चे ही होने चाहिए सबको। मैं आपको बता रहा हूं, हर कैंप पे जा जाता था वही यही चर्चा चलती, और मैं समझता हूं कि शायद ये अभियान चलेगा देश में।